नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। विप्रो में आज के दिन 3% तक गिरावट हमको देखने को मिला स्टॉक के अंदर। गिरावट का कारण क्या है, तो कल के दिन हमको ना यूएस मार्केट में जो है S&P 500 नेस्टेक कॉम्पोजाइट हो गया हो या डाउजोन से इंडस्ट्रियल एवरेज हो गया हो, सभी में ना गिरावट हमको देखने को मिला, क्योंकि यूएस इकोनॉमी जो है ना एक स्लो डाउन में देखने को मिल सकता है, ऐसा काफ़ी लोगों का कहना है। जिस वजह से यहाँ पे कल के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिला यूएस मार्केट में, आईटी स्टॉक्स में, और आज के दिन हमारे स्टॉक्स में भी जितने भी आईटी स्टॉक हो, जैसे मेन प्लेयर हो गया, जैसे कि विप्रो हो गया, आईटी विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, सभी स्टॉक्स में आज के दिन हमको दबाव में ट्रेड होते हुए देखने को मिला। तो अभी इस लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए ये स्टॉक्स में अगर बात करूँ तो टेक्निकल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो इंटरनेशनल की वजह से है, तो फिर भी यहाँ पे ना इस गिरते हुए मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो कि 500 रुपये का है, जिस लेवल को रेस्पेक्ट करके फिर दोबारा अपसाइड का मूवमेंट ये ले सकता है। तो पहला टारगेट यहाँ से अपसाइड का लेता है तो पहला टारगेट जो रहेगा 550 रुपये करेगा, दूसरा टारगेट 575 रुपये तक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूएस मार्केट जो है स्लो डाउन के कारण यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिला। तो सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दिया, हम चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करेगा, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। जय हिंद।